हमारे साथ विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी हैं। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात तमाम सारे इलाकों में चक्रीवादल जिस तरीके से कहर बरता है, उसको लेकर के कैसे आप लोग दौरे पर जा रहे हो, क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट? देखिए, ये चक्रवात के कारण कोकण का जो एरिया है, विशेष रूप से हमारा रायगढ़ होगा, रत्नागिरी होगा या सिंधुदुर्ग होगा, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इस नुकसान का जायजा लेने और वहाँ पर लोगों को मदद मिल रही है कि नहीं, नहीं मिल रही है तो क्या मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आज तमाम सारे लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का आज गुजरात में दौरा है सारी चीज़ों को लेकर, कांग्रेस सरकार के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ तो पीएम को यहाँ पर भी दौरा करना चाहिए, चूँकि आप यहाँ पर सीनियर हैं इसलिए। देखिए, ये पूरा जो चक्रवात था इसका लैंडफॉल गुजरात में था और बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने बार बार संवाद किया है, गृह मंत्री जी ने भी संवाद किया है, केंद्र की सरकार महाराष्ट्र के साथ पूरे टच में है, जो आवश्यकता होगी वो सारी चीजें केंद्र सरकार करेगी। आपके दौरे के बाद सरकार के मंत्री हों, सीएम हों, सभी लोग दौरे के लिए निकल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और कितना जल्दी मदद मिले, सिर्फ दौरा होके ना रह जाए, इसको लेकर क्या? ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि सीएम दौरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ उन्होंने मदद करनी चाहिए हमारी अपेक्षा।